व्याकर वाके कनेडा ऑस्ट्रेलिया जाने वाले की हुण नहीं चलेगी सौदेबाजी। पिछले सालों के जो नवा नैगेटिव चीज शुरू हुई है जो व्याहों के नाम के सौदेबाजी है। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल से सुन लो यह बयान नहीं पऊगा पछताउणा। मुंडे वाले ने कहता कि असं टाहे ला दें तुम गुंडा लगा दौ वो 25-30 लाख सौदा कर लेंगे। सावधान हो जाए पंजाबी क्योंकि हुण पंजाब सरकार लियावेगी नवी पॉलिसी। नौजवान पढ़े लिखे ने खुद अपने बलबूते चले जाते हैं बाहर, पर जो पढ़ाई थोड़े कमजोर होंगे ने उन्होंने मापे की करते हैं कि इस मुंडे आप कुड़ी लभ दें जिसे आईलैट्स करी हो पैसे असी खर्च देंगे, तो कुड़ियां फिर पढ़िया लिखिया होंदिया ने जो मुंडे 8-10 पढ़े होंगे ने उन्हों का नाता जुड़ जाता है। तो बाद कई बार यह भी देखने मिले कि उन्होंने आपस के निभदी भी नहीं, बाहर जाने कितना कितने सौदेबाजी होंगी है। कई तो अपन रिश्तेदारियों के ही विआह कर देंगे ने एक स्कीम कर लेंगे ने सौदेबाजी कर लेंगे ने कि सिर्फ बाहर जाना है, कई कोर्ट मैरिजा करवा लेंगे ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिजा करवा लेंगे ने। सो इस तरीके बाहर जाने जे लोग सौदेबाजी करते हैं चाहे उन्होंने कैनेडा जाना हो चाहे ऑस्ट्रेलिया जाना होना हूँ सौदेबाजी नहीं चलूगी क्योंकि कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के बयान सामने आ चुके हैं। वो कहते हैं कि कई केस सामने आते हैं आपसी दरार पैदा हो जाती है मुंडे कुड़ी का फिर बाद चो छड़छड़िया हो जाता है, सो ये मुश्किल आदियां ने। सो इस करके उन्होंने कहना है कि पहला ट्रैवल एजेंटा दे वल्लों फ्रॉड कर दियां घटनावां सामने आउंदियां सी, हुण तां परिवार एक दूजे दे नाल ही सौदेबाजी करके अपने धी पुत नूं बाहर घल दिंदे ने। सो उह स्कीमां हुण नहीं चलणगियां क्योंकि पंजाब सरकार एक नवीं पॉलिसी लेके आउण वाली है। उस बारे की कुछ कहा कुलदीप सिंह धालीवाल ने तुहानूं सुणा दिंदे आ। अज पिछले सालां दे विच जिहड़ा नवां नैगेटिव चीज शुरू होई है जिहड़े व्याहां दे नां दे उत्ते सौदेबाजी है उह साडे कोल बहुत ज्यादा केस कनेडा और आस्ट्रेलिया दे ज्यादातर दो देशां दे कि कुड़ी पढ़ी लिखी है मुंडा पढ़ है मुंडे वाले ने कहता कि असं पैसे ला दें तुम मुंडा लगा दो वो 25-30 लाख सौदा कर लेंगे। पढ़िया लिखिया कुड़िया जो उत्थे चल जांदियां लाजमी जिहड़ी कुड़ी ने MSc कीती है जिहड़ी कुड़ी पढ़ी लिखी है फिर 10 बड़े मुंडे ना कित्थे अपना टाइम पास करती है। एक बड़े बहुत ज्यादा साडे कोल इह केस जिहड़े आए मैं बार बार टीवी दे उत्ते भी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਦੇਬਾਜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।